वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों कल मैंने एक लेक्चर भेजा था, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है हमने। उसमें मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के बच्चे कितने मेथड्स हैं? थ्री मेथड्स हैं। ठीक है, तो गुडविल के वैल्यूएशन के जो थ्री मेथड्स है उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था कि गुडविल के वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड है हमारा फॉर्मूला। लेकिन गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होते हैं, ठीक है, उनकी एवरेज करने से पहले हर साल का प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल, अब आपके दिमाग में था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है नॉर्मल इनकम में से नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि नॉर्मल इनकम क्या होती है, नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं। जो चीज बिजनेस में हर साल होती है, जो इनकम रेगुलर बेस पे होती है, वो नॉर्मल इनकम है। जो चीज एक्सपेंस और लॉस हर साल होता है वो नॉर्मल एक्सपेंस है। तो नॉर्मल इनकम ऐड होती है, एक्सपेंसेस लेस होते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सिर्फ नॉर्मल इनकम में से नॉर्मल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो लेकिन कई बार इस प्रॉफिट को निकालते टाइम यहां पे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं। कौन से एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल होते हैं जो कभी कभी होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह की चीजें। तो अगर प्रॉफिट निकालते टाइम वो लेस हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो आप उसे ऐड कर दो। यहां पे इनकम सारी ऐड हुई पड़ी होती है, नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, लेकिन कौन सी इनकम ऐड हो गई है? एबनॉर्मल इनकम ऐड हो गई है। एबनॉर्मल इनकम होती है जो कभी कभी होती है, ऐड हो गई है, आप उन्हें क्या कर दोगे? लेस। अगर इस नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते टाइम कोई नॉर्मल एक्सपेंस लेस नहीं हुआ, तो नॉर्मल एक्सपेंस तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते टाइम यहां लेस होने चाहिए, तो उन्हें लेस कर दो। कोई नॉर्मल इनकम ऐड नहीं हुई प्रॉफिट में, तो नॉर्मल तो होनी चाहिए, वो ऐड कर दोगे। मैंने कल फाइव स्टेप्स बताए थे। लास्ट स्टेप है कि मुझे अगर बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो मुझे प्रॉफिट भी बिजनेस के लेने हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लेने हैं, ट्रेडिंग इनकम लेनी है। ट्रेडिंग होती है सेल परचेज की जो इनकम है, दिस इज द ट्रेडिंग इनकम। लेकिन कई बार इस इनकम साइड में नॉन ट्रेडिंग इनकम ऐड हो जाती है। तो आप कहोगे नॉन ट्रेडिंग इनकम कैसे? कि मैंने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या मेरे बिजनेस की सेल परचेज की इनकम है? नो, दिस इज द नॉन ट्रेडिंग इनकम। तो अगर इनकम में ऐड हुई पड़ी है तो आप इसे क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, आगे सम स्टार्ट करने से मैं जरा सी एक चीज बता रही हूं। आपको पता है, हाँ, मैंने जो आपको बताया था कि अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट, असेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। आपको पता है आपके पास ये जो एक्सपेंस और इनकम है, एट द एंड ऑफ ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सारी इनकम यहां ट्रांसफर हो जाती है, सारे एक्सपेंस या लॉस यहां डेबिट में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो बचता है सिर्फ तीन चीजों का, बचता है असेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो आपको पता है बस इस ये बैलेंस सिर्फ इन तीन चीजों का बचता है। तो ये तीन चीजें ही इसलिए कहां पे आती हैं? बैलेंस शीट में आती हैं। आप ये देखो ध्यान से, कोई भी एक्सपेंस है, जैसे मैंने कोई एक्सपेंस किया, सैलरी पे की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने वर्कर को सैलरी दी है, सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है। लेकिन जितने की खाली नहीं, ये एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस होते हैं एट द एंड ऑफ ईयर जब मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है, ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं ध्यान से देखना, सैलरी डेबिट है,
डिक्रीज द क्रेडिट, और कहां ट्रांसफर होता है ये एक्सपेंस, ये एम्प्लॉई का है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप मुझे बताओ खर्चों का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो खर्चे का बैलेंस क्या हो गया, फिनिश। इसकी वजह से एक्सपेंस का बैलेंस बचता ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, जितने भी एक्सपेंस पूरे साल के होते हैं वो डेबिट होते हैं, खत्म होने के लिए वो यहाँ क्रेडिट हो जाते हैं, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी वजह से एक्सपेंस का कभी भी क्या नहीं बचता, बैलेंस नहीं बचता। जितने एक्सपेंस होते हैं वो लॉस होते हैं, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं। आपको पता है ये जो हम एक्सपेंस और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, इस एंट्री को हम ये वर्ड भी दे सकते हैं कि हमने अपने खर्चे को, एक्सपेंस को राइट ऑफ किया। क्या किया, राइट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। कहां से राइट ऑफ किया, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ मतलब खत्म किया। देखो इस एंट्री से खर्चे का बैलेंस खत्म ही तो होता है, सैलरी डेबिट थी, डिक्रीज पे क्रेडिट हुई, और कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप इसे ट्रांसफर की भी एंट्री कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि जब हम अपने खर्चे को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू सैलरी। तो ये खर्चा जब यहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इसका मतलब ये प्रॉफिट निकालते टाइम ये खर्चा यहाँ से क्या हो गया है, लेस हो गया है। क्या हो गया है, लेस हो गया है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं, जितने भी लॉस, जितने भी एक्सपेंस, सारी इनकम यहाँ क्रेडिट साइड में आती है। तो ये जब ट्रांसफर होते हैं तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, डिक्रीज पे डेबिट होता है, ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। कि कोई भी इनकम है, बताओ इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। एट द एंड ऑफ ईयर हम इसके बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इस एंट्री की वजह से आ जाती है। तो जिसकी वजह से ना हमारे पास एक्सपेंस का बैलेंस बचता है, ना इनकम का बैलेंस बचता है, ठीक है। हमारे पास बैलेंस सिर्फ बचता है तीन चीजों का, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। वही तीन चीजें ही कहां पे आती हैं, बैलेंस शीट में आती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, वो कहां ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जो ट्रांसफर की एंट्री होती है ये वाली, आप इसे राइट ऑफ की भी एंट्री कह सकते हो। राइट ऑफ की एंट्री का मतलब हमने अपने खर्चे के बैलेंस को खत्म कर दिया था, कहां ट्रांसफर करके, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक सिंपल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होता है कि एक्सपेंस एंड लॉस रिटर्न ऑफ, कि हमने उनके बैलेंस को खत्म कर दिया फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ट्रांसफर करना हमने, इसका मतलब हमने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब मुझे सम स्टार्ट करने हैं, उसके अंदर प्रॉफिट को सही करने के लिए जो फाइव स्टेप्स हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। कि अगर किसी ईयर का प्रॉफिट निकालते टाइम यहाँ पे कोई एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंस लेस हो गया है तो उसे ऐड कर दोगे। कौन सी इनकम ऐड हो गई है, एबनॉर्मल इनकम, लेस कर दोगे। नॉर्मल खर्चा होता है, देखो नॉर्मल चीज क्या होती है, जो चीज हर साल होती है वो नॉर्मल है, जो चीज कभी कभी हो रही है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो नॉर्मल एक्सपेंस होने चाहिए, नॉर्मल इनकम होने चाहिए। अगर किसी ईयर का प्रॉफिट निकालते टाइम यहाँ पे कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस और लॉस लेस हो गया है तो आप उसे ऐड कर दो, कोई एबनॉर्मल इनकम ऐड हो गई है तो उसे लेस कर दो, कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस लेस नहीं हुआ तो उसे लेस कर दो, कोई नॉर्मल इनकम ऐड नहीं हुई तो उसे ऐड कर दो। एक नॉन ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन बिजनेस इनकम है, ऐड हो गई है लेस कर दो। तो फाइव स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं। तो एवरेज करने से पहले हर ईयर का प्रॉफिट पहले नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस प्रॉफिट का एवरेज करोगे और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए यूज करोगे, ठीक है। बाकी मैंने पूरा डिस्क्राइब लास्ट लेक्चर में कर दिया था। सो अब हम सम स्टार्ट करते हैं, देखना एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो हम अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से बच्चे सम स्टार्ट करते हैं, देखना कैसे क्या क्या चीज हमारे पास यहाँ पे आती है उसके सम देखो एक बार बच्चे। इसके अंदर हम जो सम स्टार्ट करेंगे, अभी फर्स्ट सेकंड का गैप करना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ही सम थर्ड से स्टार्ट है, वो थोड़ा सा देखना बच्चे ध्यान से।
देखो, कैलकुलेट गुडविल, किसका वैल्यूएशन करना है? गुडविल का, ऑफ द फर्म, फर्म का, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने यूज करने हैं? 3। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो आपने एवरेज प्रॉफिट, एवरेज करने के लिए जो प्रॉफिट यूज करने हैं वो 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं, ठीक है, जो एवरेज करनी है। क्योंकि मैंने कहा था कभी भी किसी ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट उठा के यूज नहीं किया जाता, जितने ईयर्स गिवन होते हैं उनकी एवरेज की जाती है। देखो कौन सा प्रॉफिट यूज करना है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और एवरेज कितने ईयर्स के प्रॉफिट की करनी है? 5 ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स 2013-14 4 लाख, 14-15 सेशन का प्रॉफिट 5 लाख, 15 और 16 ब्रैकेट में दिया, दैट मीन दिस शोज द लॉस, 16-17 150 ये प्रॉफिट ही है, 17-18 250 ये सेशन देने का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग मार्च, ठीक है, मतलब जो सेशन 13-14 है 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट है और 31 मार्च 2014 पे एंड है, ठीक है। लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो ध्यान से सुनना। ऑन 1 जनवरी 2016, तो पहले तो एडजस्टमेंट देखो, देखो ये मैंने 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है बच्चे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनकी एवरेज करने से पहले आपको चेक करना है ये नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए, इनको नॉर्मल करने के लिए नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, तो देखना एक बारी ध्यान से। ऑन 1 जनवरी 2016, पहले तो बताओ 1 जनवरी 2016 कौन से सेशन में आएगा? 1 जनवरी 2016 इस सेशन में आएगा, 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट है और 31 मार्च 2016 पे एंड है, इस वाले सेशन में आएगा 1 जनवरी 2016, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2016 पे एंड है। अब देखना, ऑन 1 जनवरी 2016 ए फायर ब्रोक आउट, आग लग गई थी, आउट ऑफ विच रिजल्ट इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख, कितने का लॉस हो गया था? 3 लाख। और अब बताओ आग लगने का लॉस नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल? डेफिनेट है एबनॉर्मल लॉस है, और लॉस सारे कहां से राइट ऑफ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं सारे लॉस और सारे एक्सपेंस, ठीक है, सारे एक्सपेंस और सारे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर जब मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है तो सारी इनकम एक साइड आती है, सारे लॉस और एक्सपेंस एक साइड आते हैं डेबिट साइड में, तब जाके प्रॉफिट निकलता है। तो 3 लाख का बच्चे लॉस हुआ था, एक क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम रिसीव हो गया था? 70। तो बताओ हमें टोटल लॉस कितना हुआ है? 230 का, क्योंकि 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गए हैं, और ये बच्चे नॉर्मल लॉस नहीं है जो रेगुलर बेस पे हो, दिस इज द एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस लॉस प्रॉफिट निकालते टाइम लेस हुए पड़े होते हैं, और ये कैसा लॉस है? एबनॉर्मल लेस हुआ पड़ा होगा इस साल का प्रॉफिट निकालते टाइम, तो आप इस साल के प्रॉफिट में या लॉस जो भी गिवन है उसमें एड कर दोगे, लेकिन 230, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 इस सेकेंड लास्ट में आएगा इस वाले सेशन में, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स, 31 मार्च 2000 इस ईयर में कोई अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000, मेरे पास कोई टैक्स वापस आ गया, कोई मैंने पे किया हुआ होगा पहले कभी, अनएक्सपेक्टेड वो मेरे को वापस आ गया, तो टैक्स पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है, टैक्स वापस आना मेरे लिए इनकम है, लेकिन ये रेगुलर बेस पे नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है, तो इस ईयर के प्रॉफिट में ये एड हुई पड़ी होगी, क्योंकि इनकम प्रॉफिट में एड हुई पड़ी होती है, और ये कैसी इनकम है? एबनॉर्मल,
ठीक है। और मैंने कहा था अगर एबनॉर्मल इनकम ऐड हुई पड़ी है कोई, तो प्रॉफिट को सही करने के लिए उसे लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये बच्चे पूरा क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व। देखो एक बार बोर्ड पे कैसे सॉल्व करना है आपने इसको। इसको सॉल्व कैसे करना है ये एक बार ध्यान से देखना बच्चे, कैसे मैं सॉल्व कर रही हूं। देखना मुझे ध्यान से, आपके पास जो लैंग्वेज आपको पता कैसे चलेगा कि कल मैंने बताया था देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के थ्री मेथड्स हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से। तो मैंने अभी जो बुक में लैंग्वेज रीड की उसने बोला है गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक बार देखना, कल मैंने आपको गुडविल के वैल्यूएशन का एक फॉर्मूला बताया था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला था बच्चे यहां पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखना लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, उसने इस फॉर्मूले की लैंग्वेज ही लिखी हुई है कि गुडविल इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है थ्री ईयर परचेज। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे, थ्री ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने यूज करने हैं, थ्री ईयर परचेज ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, थ्री ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो आपको प्रॉफिट यूज करना है वो एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, तो एवरेज जो करनी है वो 5 ईयर्स के प्रॉफिट की करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 यूज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे प्रॉफिट की क्या करनी है बच्चे, एवरेज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज करने के लिए 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन, 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। लाइन से मैं लेती जा रही हूँ, ध्यान से देखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, फर्स्ट ईयर 13 to 14 गिवन है, एंडिंग आएगी 2014, ठीक है। इस ईयर का प्रॉफिट बचे मेरे पास गिवन है 4 लाख, 4 लाख गिवन है, ठीक है। लेकिन इस ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड मेरे पास कुछ एडलेस नहीं है, मैंने अभी अब जो दो एडजस्टमेंट थी वो 16 to 17 और एक एडजस्टमेंट जो थी वो 15 to 16, तो जब मैं लिखूंगी उसी में एडलेस कर देंगे। तो इस ईयर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ये इस साल का प्रॉफिट नॉर्मल ही है, ये बिल्कुल सही है आपके पास, तो इसमें कुछ एडलेस करने की जरूरत नहीं है। तो जिस ईयर के प्रॉफिट में एडलेस है उसी में ही हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2015, कौन से ईयर का प्रॉफिट गिवन है, सेकेंड ईयर का, ये गिवन है बच्चे आपके पास 5 लाख। इस ईयर में भी कुछ एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बताया उसने इस साल से रिलेटेड, प्रॉफिट निकालते टाइम कुछ किया गया था, ठीक है, 5 लाख इस ईयर का प्रॉफिट भी सही है, इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखना, प्रॉफिट नहीं, इस साल आपको प्रॉफिट की जगह बच्चे लॉस गिवन है, लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016, तो बताना लॉस आपके पास कितना गिवन है बच्चे, 60। लॉस माइनस, ब्रैकेट में लिखना कि माइनस को रिप्रेजेंट करता है कि इतना लॉस हुआ था। लेकिन इस ईयर से रिलेटेड मुझे बुक में जो फर्स्ट
एडजस्टमेंट थी, इसमें मुझे कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस ईयर का ये लॉस निकालते टाइम कुछ ना कुछ लेस और एड हुआ था, देखना क्या करना पड़ेगा। आपके पास मैंने लैंग्वेज पढ़ी थी ऑन 1 जनवरी 2016, क्योंकि 1 जनवरी 2016 इसी सेशन में आएगा, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2016 ए फायर ब्रॉक आउट, आग लग गई थी, रिजल्टेड अ लॉस ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स जल गया था, उसका लॉस हुआ था ऑफ 3 लाख। 3 लाख का लॉस हो गया था, लेकिन 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गए थे। तो मुझे बताओ, मुझे ये जो 230 का लॉस हुआ, दिस इज द एबनॉर्मल लॉस। कैसा लॉस है? एबनॉर्मल। ये चीज रेगुलर बेस पे नहीं होती। तो आपको पता है लॉस सारे इस साल का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, इनकम यहां आती है, एक्सपेंस यहां आते, तब जाके प्रॉफिट और लॉस निकलता है। तो इस सेशन में बच्चे 230 का, अभी मैंने बच्चे जो लिखा था एक बार, कितना था, 3 लाख तो लॉस हुआ है, 70,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गए हैं। तो मेरा जो लॉस हुआ है बच्चे, वो कितने का हुआ है? 230 का हुआ है। और ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस सारे लॉस एट द एंड ऑफ ईयर जब इस साल का प्रॉफिट और लॉस निकला होगा, तो लॉस डेफिनेट है यहाँ पे लेस हुआ होगा, क्योंकि इनकम सारी एड होती है, एक्सपेंसेस सारे लेस होते हैं, तब जाके प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन आती है। और आपको पता है कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ था? 230। तो डेफिनेट है साल के एंड में जब इस साल का प्रॉफिट निकला होगा, तो ये 230 एबनॉर्मल लॉस इस यहाँ का प्रॉफिट और लॉस निकलते टाइम यहाँ पे लेस हुआ था। और ये कैसा लॉस था? एबनॉर्मल लॉस। और मैंने कहा था अगर किसी ईयर का प्रॉफिट निकालते टाइम जो भी गिवन है एबनॉर्मल लॉस लेस हो गया है, तो आप उसे क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस साल में आप ऐड करोगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इस प्रॉफिट, इस साल की चीज को, प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन है, इसको नॉर्मल करने के लिए एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कितना था एबनॉर्मल लॉस? 230। अब बताओ आप इसमें ये ऐड कर रहे हो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? माइनस 60 है प्लस 230 है, तो आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है यहां पे, पहले मुझे ये बताओ। तो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चे 170, और वो भी किसका? प्लस का, ठीक है। तो आपने इस साल का प्रॉफिट सही किया, क्योंकि ये ब्रैकेट माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस, तो आपका इस ईयर का प्रॉफिट सही हो गया, कितना हो गया? 170,000 हो गया, ठीक है। क्योंकि आपके पास जितने इयर्स के प्रॉफिट गिवन है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एड और लेस करना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं आपको, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो देखना एक बारी, नेक्स्ट और मैं पढ़ती हूँ एक बारी, नेक्स्ट कैसे करना है। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट ये था, नेक्स्ट का है प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ठीक है। 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट 150 है। इस ईयर से रिलेटेड मेरे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि इस प्रॉफिट को निकालते टाइम कोई ऐसी चीज लेस हुई थी या मुझे ऐड करनी पड़े, कुछ ऐसा नहीं है। तो इस ईयर का प्रॉफिट बिल्कुल सही है, तो ये 150 आ गया। उसके बाद लास्ट ईयर का गिवन है बच्चे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग
जी आपके इस सेशन से रिलेटेड एक आपके पास इस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमारे पास यहाँ पे इस ईयर से रिलेटेड जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो इसी सेशन से रिलेटेड है ठीक है क्या एडजस्टमेंट है एक बार देखना ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इस सेशन के ड्यूरेशन में ठीक है द फर्म रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड कोई अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड हुआ था 80,000 तो टैक्स अनएक्सपेक्टेड इस सेशन के ड्यूरेशन में रिफंड हुआ था तो ये मेरी इनकम है ठीक है एबनॉर्मल इनकम है और आपको पता है प्रॉफिट निकालते टाइम इनकम ऐड हुई पड़ी होती है इस साल का प्रॉफिट निकालते टाइम कौन सी इनकम ऐड हो गई है एबनॉर्मल तो आप इसे क्या कर दोगे लेस कर दोगे बच्चे बुक में इस क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि 31 मार्च 2017 जो सेशन है वो सेकेंड लास्ट में आ रहा है और उसने कैलकुलेशन डाली हुई है 17 to 18 में ये मिस्टेक है ठीक है तो आप यहीं पे ऐड कर इसमें से ही लेस करोगे लेस एबनॉर्मल गेन कितना था अनएक्सपेक्टेड 80,000 था तो ऐड हुआ पड़ा है इसमें से क्या कर दोगे लेस ठीक है तो आपके पास इस साल का जो प्रॉफिट बचा वो बचा 70,000 बचे ठीक है 70,000 प्रॉफिट बचा उसके बाद लास्ट ईयर का प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 ठीक है 250 बच्चे बुक के अंदर उसने एडजस्टमेंट की हुई है इस सेशन में जबकि इस सेशन में क्या नहीं होनी चाहिए एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए ठीक है इस सेशन में नहीं होनी चाहिए इसमें क्योंकि उसने इस सेशन से रिलेटेड वो लाइन बोली हुई है तो एडजस्टमेंट इसी में होगी इसमें नहीं होगी ठीक है तो ये ईयर बच्चे आपके पास सही है ये आपके पास आ गया 250 तो आपके पास ये 5 years के जो प्रॉफिट गिवन है 5 years के ये जो प्रॉफिट गिवन है नाउ दीज आर द नॉर्मल प्रॉफिट ये अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है ठीक है अब आप इनकी एवरेज कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो तो एवरेज प्रॉफिट कल मैंने बताया था जितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है उनका क्या करोगे टोटल करोगे ठीक है तो टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर तो पहले तो प्रॉफिट का टोटल करो बच्चे कितना है यहाँ पे 4 lakh, 5 lakh, 9 lakh, 9 lakh, 10 lakh, 70,000 तो यहां तक मेरे पास प्रॉफिट है 10 lakh 70,000 उसके बाद 70,000 और 250 3 lakh 20,000 ठीक है तो मेरे पास 5 years के प्रॉफिट का जो टोटल आया वो आया बच्चे मेरे पास 13 lakh 19,000 ठीक है तो 13 lakh 90,000 टोटल प्रॉफिट और कितने ईयर्स है नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ईयर्स ही आ गए तो 13 lakh 90,000 को 5 से डिवाइड कर देना ये आ रहा है बच्चे 2 lakh 78,000 2 lakh तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को यूज नहीं करते जितने ईयर्स गिवन होते हैं उनकी एवरेज करते हैं एवरेज करने से जो प्रॉफिट आता है एक सिंगल ईयर का आता है ना कम वाले ईयर का आता है ना ज्यादा वाले ईयर का आता है ठीक है अब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो बच्चे यहाँ पे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए उसने बोला था कि गुडविल इज वैल्यूड क्या लाइन बोली थी उसने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट यूज करो एवरेज तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 278 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 year परचेज बोले थे तो 278 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना ये आ रहा है आपका 8,34,000 तो ये चीज आपका किसका वैल्यूएशन हो गया बच्चे गुडविल का वैल्यूएशन हो गया ये चीज ठीक है ये आपने गुडविल का क्या कर दिया वैल्यूएशन कर दिया तो इस तरह से आपने ये पूरा अटेम्प्ट करना है बच्चे बुक में ये 80,000 यहां से लेस हुए पड़े हैं जबकि हमारी वो एडजस्टमेंट है वो 31 मार्च 2017 की है तो ये लॉस इनकम यहाँ ऐड हुई पड़ी होगी तो लेस भी यहीं से होगी
ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि 80 यहाँ से लेस करूँ या यहाँ से करूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा यहाँ पे ये वाली चीज। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सम आज हम पूरे कंप्लीट करेंगे, ये वाले जितने भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम है वो दोनों लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है बच्चे।